बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले को बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में इस ग्रैंड फिनाले की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ सभी घरवाले एक दूसरे के साथ टफ कॉम्पिटिटर्स की तरह लड़ रहे हैं, वहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट भी नजर आ रहा है। लेकिन अब सारे इमोशंस को साइड रखने घर के अंदर आ चुकी है मीडिया। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस राउंड है घर के अंदर, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस राउंड में सभी लोग नजर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में आई है मीडिया। अब मीडिया ने प्रियंका से लेकर शालीन से लेकर शिव से लेकर एमसी स्टैन तक सभी पर, इंक्लूडिंग अर्चना एंड शिव, सब पर सवाल उठाए हैं। आपको ये बता दें कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उसके बाद एमसी स्टैन और शालीन के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिली है। शालीन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने सवाल, पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, उस दौरान एमसी स्टैन हंसते हैं। शिव और एमसी स्टैन कॉन्स्टेंटली घर में कई लोगों को बुली करते नजर आते हैं। उनकी दोस्ती अच्छी है, नो डाउट, लेकिन क्या उनमें बुलिंग नेचर है? डेफिनेटली यस। और इसी बुलिंग का नतीजा है कि काफी सारे लोग जो हैं वो भड़क चुके हैं उन लोगों पर। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उसके बाद शालीन और एमसी स्टैन दोनों ही बहस करने लगते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। एमसी स्टैन की इस बदतमीजी पर जब शालीन जवाब देते हैं तो एमसी स्टैन भड़क जाते हैं। वेल, आपको क्या है कहना? आपकी नजर में एमसी स्टैन या शालीन कौन सही है, बताइएगा। हेलो बिग बॉस। हेलो सलमान, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। वैसे दोनों आंखों से देखते तो डबल हैंडसम दिखता है। दोनों आंखों से तो क्या, मैं तो आपको करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों से देखता हूँ। बाबा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बिग बॉस। आप भी तो कुछ कम नहीं हो बिग बॉस, और सोशल डिस्टेंसिंग का पायनियर हो आप। थैंक यू सलमान, यू वेलकम। तो यही वजह है कि आप सब कुछ खोल के सामने आने वाले हो? सब कुछ खुल गया और ये खबर बिल्कुल सही है सलमान। तो फिर पहली बार क्या आप साथ नजर आओगे?